उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए चाहे जितना जतन कर रही हो, लेकिन जन प्रतिनिधि हो या फिर सरकारी कर्मचारी, कोई भी भ्रष्टाचार के मुंह को छोड़ नहीं पा रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का है, जहां सिराथू तहसील के पथरावा गांव का है, जहां गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त ही नहीं हो रहा है। जबकि भ्रष्टाचार की शिकायत पर पिछले कई महीने पहले ही ग्राम प्रधान का बस्ता भी जब्त किया गया। दरअसल आपको बता दें कि सिराथू तहसील क्षेत्र के पथरावा गांव में महिला ग्राम प्रधान पुत्र की मनमानी के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालयों में जमकर बंदरवाड़ की गई है, जिसका ताजा उदाहरण तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें बयां कर रही है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना की किस प्रकार गाँव में धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान पुत्र सौरभ ने आवास के लिए आई रकम में से 15,000 रुपए जबरन ले लिया, जिसके चलते आवास नहीं बनवाया जा सका। वहीं पिछले दिनों जिला अधिकारी से शिकायत पर अधिकारियों की टीम 3 माह से गांव की जांच कर रही है। वहीं जांचकर्ता अधिकारियों ने पाया कि ग्रामीणों की शिकायत सही है और गांव में मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है और हैंडपंप में सम सिल्वर डालकर कब्जा कर लिया गया है। वहीं गांव के लोग बताते हैं कि प्रधान पुत्र की दबंगई के चलते ग्रामीण दहशत में है। शिकायत करने पर अवैध असलाह लेकर दौड़ाने का भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। शिकायत की गई थी कि इसमें कुछ शौचालय अपूर्ण है, तो इसकी जांच कर ली गई जाकर के। कुछ शौचालय सही में अपूर्ण पाए गए हैं और कुछ आवास में पैसा लेने की शिकायत लाभार्थियों ने किया, उन्होंने बयान दिया है। 14-15 में आवास आवास मिला था, उसमें प्रधान पुत्र ने 15,000 रुपये धनबाद। गाँव वालों का आरोप किया आपके सामने, जैसे लोग असले लेकिन लोगों को बदला रहे। हमारे सामने अपराध लेकर कोई नहीं है, लेकिन अगर पीछे कोई रहा हो क्योंकि इतनी दूर है, हमने नहीं देखा। कोई विवाद हुआ है क्या दूसरे पक्ष से? विवाद तो आपस में लोग बातें कहने कर रहे हैं, लेकिन और कोई हैंडपंप की जांच की, उसमें क्या हैंडपंप में जो है वहाँ पर वो समर डाल दिया गया है, उसे खुदवा के देखा गया तो उस पर कार्रवाई की गई। आपका नाम? मेरा राजेश कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक, आप डिप्टी कमिश्नर बन गए। गाँव में जांच हो रही थी सर, और ये लोग आए थे, खट्टा दिखा रहे थे कि कहते थे कि अगर झूठ फूट बोलोगे तुम्हारे गोली मार देंगे। कौन लोग थे ये लोग? ये बतानी पुत्र सौरभ, ये उनके पुत्र और उनके भाई। किसने असलाह लिए थे? असलाह लिए थे कि ये लोग मतलब जबरदस्ती दिखा रहे हैं। जबरदस्ती कोई नहीं सर, इसमें सब न्याय की बात है। सबका पैसा मतलब ये कॉलोनी में 50,000 रुपया खाए हैं, ये 13-14 साल की हैं। आपका नाम? मेरा नाम जगेशर है। प्रधान के नेताओं और उसमें निलंबन हुआ था, उसमें इनको जांच DM साहब द्वारा दी गई थी, तो ये जांच करने आए थे। जांच क्या मिला? जांच में इन्होंने अब मेरे सामने तो कहा कि आरोप सही पाए गए हैं, अब इसके बाद ये क्या लिखते हैं ये मेरी जानकारी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार मौर्य, सनाफ राम स्वरूप मौर्य।